खतरों के खिलाड़ी में अब शुरू हो चुकी है फिनाले के लिए जंग। टिकट टू फिनाले के लिए रोहित ने पहले ही बता दिया कि इस बार हर एक कंटेस्टेंट को ओनली अपना बेस्ट देना है, सिर्फ कोशिश नहीं करनी, क्योंकि सेकंड बेस्ट तो माना ही नहीं जाएगा। पहले एक टास्क आया जहां पार्टनर्स को एक ग्लास बॉक्स में रहना था। एक कंटेस्टेंट को अपने मुंह से चाबी निकाल के दूसरे कंटेस्टेंट को पास करना था विद माउथ। इस टास्क में ऋत्विक और निया परफॉर्म करते करते कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं और ऋत्विक तो उन्हें कस के पकड़ भी लेता है और रोहित तुरंत आपत्ति उठाते हैं। आगे जाकर सभी कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि आप बताओ आपके हिसाब से कौन जा सकता है फिनाले में। तब जहां ऋत्विक रवि शांतनु का नाम लेते हैं, वहीं हिना अपना नाम लेती हैं और ऋत्विक कहते हैं कि हिना सिर्फ अपने लक की वजह से यहां हैं। हिना के आंसू निकलते हैं और वो कहती हैं कि मैं यहां सिर्फ अपने लक की वजह से यहां नहीं हूं, अपनी मेहनत की वजह से हूं। आगे जाके पूल साइड पर ऋत्विक लेता है सबकी क्लास और इस मजाक मस्ती में रोहित मारता है ऋत्विक को एक लात। फिर आती है बारी दूसरे टास्क की। टास्क ये है कि पूल में चार वॉल्व हैं जो कि पानी का प्रेशर बंद कर सकता है। उन्हें वो सब वॉल्व बंद करने हैं और टास्क कंप्लीट करना है, लेकिन करण टास्क परफॉर्म करते वक्त वही पैनिक हो जाते हैं। फिर रोहित शेट्टी देते हैं एक ऐसा टास्क जो कि एक एपिक स्केल पर है। कंटेस्टेंट्स को 19वें माले से एक बिल्डिंग की छत से दूसरी छत पर जाना है और जाने के सिर्फ दो प्लैंक्स हैं। कंटेस्टेंट को एक टाइम चल के रुक कर पिछले प्लैंक को आगे लाना है और आगे बढ़ना है। आखिर में रोहित शेट्टी ने टिपिकल अपनी फिल्मों की तरह दिया एक माइंड ब्लास्टिंग कार ब्लास्टिंग स्टंट। स्टंट में कंटेस्टेंट्स को कार रिवर्स करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है। अगर कार येलो कोन्स को टच हुई तो होगा कार में ब्लास्ट। है ना इस वीक का खतरों का खिलाड़ी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग।